दिन पांचवा मंगल भवन अमंगल हारी श्री राम मुलख प्रभु जे जग सुखकारी। प्रातः भई साध चले आया आश्रम का था दृश्य सुहाया। कलरव पक्षियों का मन भाए स्वामी जी भी बाहिर आए। साधकी ना दंडौत प्रणाम बैठ गए तब सुख के धाम। विनय उचारी साधने हे मेरे भगवान उपाय आत्म ज्ञान का पूछूं मैं अनजान। कहा नाथ क्या कथूं उपाय आत्मज्ञान विरला जन पाए। स्वात्मा का जो संप्रज्ञान उसका पाना नहीं आसान। संप्रज्ञात समाधि में भाई झलक मिले आत्मा की राई। पूछा साध नाथ बतलाएं संप्रज्ञात किमी जन ग्राहें। उसका लक्षण क्या भगवान उसकी होती क्या पहचान। बोले स्वामी साध प्यारे प्यारे लगते प्रश्न तिहारे। समाधि संप्रज्ञात महान उपाय उसी का करूं बखान। भूले जब जन देह का बोध आत्मा की तब आवे शोध। उपाय संप्रज्ञात के मैं कथूं हे मीत। जो करता अभ्यास है होए आत्म प्रतीत। पांच उपाय हैं कथे किसी एक से मीत। भूले जन जब देह को होए आत्म प्रतीत। कहा साध हे सद्गुरुदेव कथें उपायों का सब भेव। पांच उपाय कौन से नाथ आत्म बोध लगे जिमी हाथ। कहा स्वामी हे साध सुजान पांचों की तुम करो पहचान। वितर्क एक दूजा विचार तीसरा है आनंद अपार। चौथा अस्मिता ले वो जान पंचम रूप की कर पहचान। इन पांचों का है गुण महान देह भूले हो आत्मज्ञान। जो पांच बताए नाम मुझे भी याद हो पाए। वितर्क और विचार उपाय
अस्मिता व आनंद उपाय। पंचम रूप आप बताया, नाम स्मरण मुझे हो पाया। पांचों के ये नाम हैं, उनके गुण महान। चाहूं सुनना आपसे सदगुरु दया निधान। सुनी नाथ उसकी जिज्ञास, कहन लगे ला मुख पैहास। मुझसे सबके गुण सुन पाना, और सुन फिर अमल में लाना। प्रथम उपाय जो प्रभु बताया, है वितर्क वह कथनी आया। उसका भेद तुझे बतलाऊं, बात रहस्य की मैं समझाऊं। तार्किक जन इस भेद को जान, गुण इसका विशेष पहचान। उनका है दृढ़ मत यह भाई, आत्मा नित्य देह अस्थाई। आत्मा को वे व्यापक जाने, सब घटों में उसे पहचाने। आत्मा से ही उनका प्यार, जगत प्रति वैराग्य अपार। सदैव मस्ती में रह पाए, जन वितर्की वही कहलाए। ज्ञानवान वह जन भये, पर वैरागी होए। जन ऐसा विरला मिले, कोटिन में ही कोय। सुनकर सदगुरु का उपदेश, कहा साधने नाथ महेश। गुण तर्क का मैं सुन पाया, कथ विचार अब करिए दाया। कहा नाथ सुन लो मम मीत, प्रबल विचार हो जिसके चीत। उसको होत है आत्मबोध, वृत्तियों का भी होत निरोध। पूछा साध वह क्या विचार, जिससे ज्ञान यह मिलत अपार। कहा नाथ तुम लो यह जान, शास्त्र सांख्य में ज्ञान महान। उसके तत्वों का हो बोध, जिनसे भिन्न है आत्म बोध। अनात्म आत्म का सब ज्ञान, प्रदान करत है वह विज्ञान। तत्व विचार से हे मम मीत, सत्य की हो जन को प्रतीत। विषयों से वह रहे विरक्त, आत्म बोध में ही अनुरक्त। रह कर इसी विचार में, पर वैरागी होए। जन ऐसा विरला मिले,
कोटिन में ही कोय। इतना कह कर नाथ जी उठ गए उस प्रात, कहा साएं फिर आना हे साध ममतात। आ गया जब साध वह, कहा नाथ हे तात, विषय आज का गूढ़ है, सुनो बैठ साक्षात। अब कथूं आनंद की बात, सुनना तुम ला ध्यान हे तात। आनंद में रहे सदा जो मीत, ज्ञान परिपूरित उसका चीत। सुनी साध जब गुरु की बात, कहन लगा हे जग के त्रात। सुखी पुरुष से ज्ञान हो दूर, वह तो माया में रहे चूर। स्पष्ट बात अपनी कर पाए, मंद बुद्धि में हूँ समझाए। सुनी साध की बात स्वामी, मुस्का बोले अंतर्यामी। मंद बुद्धि तुम ना हो भाई, जगत का सुख ना सुख प्रदाई। आनंद कोश सबके घट बीच, जब मन उसमें रहे समीच। अंतर्मुख तब जन भये, बसे कोश आनंद। ज्ञान और वैराग्य को देता है आनंद। साधने तभी कीन सवाल, हे स्वामी तुम दीन दयाल। कर कृपा मुझे आप बताएं, कोश किसे सब जन कह पाए। कहा स्वामी हे साध सुजान, कोश कदूं मैं तुमको ज्ञान। कोश पांच हैं लो तुम जान, मन की स्थिति अनुसार पहचान। जिस स्थिति में चित रह पाए, उसका कोश वही कहलाए। तन में ही जो मन रम पाए, अन्नमय कोश में वह कहाए। अन्न से निर्मित तन होतात, अन्नमय कोश अतः कहलात। इस कोश में मन जो रह पाए, दैहिक सुख दुख में उलझाए। अन्न कोश में जो रहे, कर सके नहीं योग। माया में वह रम रहे, प्रिय ही लागे भोग। अन्न कोश जब दे मन त्याग, प्राण कोश में चित्त तब लाग। अंतर्मुखी तब मन हो पाए,
जग से विरक्त वह हो जाए। प्राणों में मन ही रम पाए, उनकी गति में सदैव समाए। कहा साध हे जगत विधाता, प्राणों में मन किमि रम पाता। कौन उपाय है इसके हेत, फल मिले जिससे अभिप्रेत। कहा नाथ हे साध सुजान, मन प्राण में रमता आन। जभी सुषुम्ना में मन जाए, रम षट चक्रों में वह पाए। प्राणों के वही केंद्र जान, नाड़ियों के संचालक मान। जानो इसको साध तुम, प्राण कोश है मीत। इसमें मन जब रम रहे, होए समाहित चीत। कहा साध हे नाथ जी, शिक्षा मिली अनूप। अन्न कोश वा प्राण का, जाना मैं स्वरूप। अगला कोश नाथ बतलाएं, उसका ज्ञान भी अब कराएं। वह कोश है कहाँ भगवान, चित रुके जाए जिस स्थान। कहा नाथ तू प्रश्न जो कीन, उसी बात को लो अब चीन। मनमय कोश आगे का जान, मन रमता मन के ही स्थान। वृत्तियों का जब होत निरोध, मन में होता आत्मबोध। इस अवस्था को जन पाए, मनोकोश में स्थित कहलाए। जग में उसका ऐसा वास, जल पे कमल का जिमी आवास। मन की स्थिति जो यह कथ पाई, इसमें परम शांति है भाई। इसी कोश में ठहर कर, हो मन शांत अपार। विसरे जग जंजाल को, पर विराग को धार। सुनकर साधने सुख को मान, कहा मिला मुझे आत्मज्ञान। अगला कोश जो है भगवान, उसका भी मुझे दीजो ज्ञान। कहा नाथ हे साध प्यारे, राखो स्मरण कोश ये सारे। अगला है विज्ञानमय कोश, दूर हुए वहां मन के दोष। समाधि में जब मन रम पाए, विवेक ख्याति उसमें आए।
हुए सत्य का उसे आभास, भ्रांति का हुए पूर्ण विनाश। यह कोश है ज्ञान का भाई, यहां समाहित जब हो जाई, इस सृष्टि के रहस्य बहु भारे, प्रकट भये उसको वे सारे। ज्ञान कोश को जान लो, ज्ञान सरोवर एक, ज्ञान खजाना प्रकट हो, रतन ज्ञान अनेक। हे साधो अब तुम चल जाओ, प्रातः काल पुनः आ जाओ। श्री प्रभु राम लाल जी की जय, शरणम श्री सद्गुरुदेव जी की जय, शरणम।